नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। भर्ती कराएं और यहां पे डॉक्टरों ने कहा काफी समय लगा दिया और रोक कर रखे रहे और जब इसका जान निकल गया ये लेडीज का, वहाँ से जवाब दिए हैं और अपने मनमानी काम किए हैं, जो कि यहाँ पर बड़ी लापरवाही हुआ है और डॉक्टरों ने लापरवाही करके जान ले लिया। और इस परिवार से हम बयान लेते हैं कि कौन कौन डॉक्टर थे। भैया भाव बताओ, डॉक्टर का नाम क्या रहा? नंदिनी तिवारी, किरण वर्मा, किरण वर्मा, दीपिका। तो कई बजे से कर लेते रखे रहे ये 2 बजे से लेके गए हैं, दिन में 2 बजे से लेके गए हैं। वो लोग बोले 4 बजे तक डिलीवरी करा देंगे। उसके बाद में वो उसके बाद बोले 1 घंटा और रुको, फिर उसके बाद बोले 1 घंटा और रुको। ऐसे ऐसे करके ये लोग 10 बजे तक लेके गए हैं, रात में 10 बजे तक। उसके बाद में उनने बोला कि आप इनको लेके जाओ, हमारी बस्ती नहीं है। तो हमने वो रास्ते में ले जाते समय मेरी भाभी की डेथ हो गई। ये पीड़ित परिवार का कहना है कि जो समय यानी 2 बजे रात में जवाब दिए हैं और ले जाते समय रास्ते में जिला अस्पताल फैजाबाद ले जाने में रास्ते में जंग हो गई है, बुरहाल हो रहा है। ये डॉक्टरों की लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार की जो है, योगी जी कह रहे हैं कि हमारे जो है शासन प्रशासन जो है बहुत चुस्त लापरवाही हो चल रहा है। ये डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं, जो कि आज आदमी जो है ये जेल हो गया है और काफी समय तक के रोक करके रखा है। आज ये बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे बहुत दर्द और परिवार का शिकायत है, डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है। और ये जो है जो समय परेशान है और प्रशासन को भी फोन किए हुए हैं, पुलिस वाले आ रही है और इनकी मुकदमा पंजीकृत होकर के इनको जो है यानी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। परिवार जो है बड़ा जो है इस दुख में पड़ा हुआ है। हंगामा टाइम जीरो जितंदर को बाजार बस्ती। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।